वही लो मिस्त्री साहब मसाला। और कुछ लाना है? चाय बनवाला चाय। यार के मिस्त्री साहब क्यों मजाक कर रहे हो? तो बूझी है सरिया के क्या बनवाला? ईट डाला खुला के ला रहे। चलो मीट और सूत भी लिया। ये हाँ मिस्त्री। हाँ ठेकेदार। अरे बाहर को इधर निकल गए भाई। यार थोड़ा बहुत काम भी करन दे करो ना। बाहर को निकल गई है। सुबह से कुछ करा ना। और अब काम करने दे। जरा कुछ पूछना तुझसे। चलो आ रहा हूँ। जल्दी आ बाहर को निकल के। अरे रुक जाओ आ रहा हूँ। काम खुद नहीं करने देता। और फिर क्या भाई काम बहुत कम होया। अब फिर बुलाना आ गया भाई। हिसाब तो कल कर दिया था। अब क्या बात हो गई जरा पहले इसकी सुन को। अरे हाँ ठेकेदार क्या बात है बताओ। तू निकल के बड़ी देर में आया से। अरे वो रद्दा पूरा करके आया। अरे मैं कह रहा हूँ यार इस बार इलेक्शन का बहुत जोर शोर चल लिया। इलेक्शन का? हाँ तो बनने आ गया हिसाब। अरे जा काम वाम कर ले। तू कहाँ कुल लग कर बैठ रहा है? अरे कर रहा हूँ काम। लो लग कर बैठ रहा बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ हम भी सोच रहे थे यार इस बार इलेक्शन लड़ लेगी। अरे तो करो तैयारी। क्या दिक्कत है? हम हैं तुम्हारे साथ। तैयारी चल रही है फुल एकदम। हम अंदर अंदर खुफिया खुफिया तैयारी कर रहा है। वैसे है क्या हिसाब कुछ बताओ तो सही। अरे हम प्रधान का सोच रहा है। प्रधान का? हाँ। और वो खड़े हो रहे हैं उधर जमालपुरिया। अरे उन्हें खड़ा होने दो यारों की। अरे बीटीसी में 2.5 लाख रुपए मिल रहा है यार उन्हें। 2.5 लाख? अरे यार बैठे रहने दो यार। यो कोई बात ना। यो तो हमारा बहुत टाइम का मजदूर है। हमारे साथ ही रह है। सुनन दो। चलो इसे भी चला गो बैठ जा। अरे इसके खून में गद्दारी नहीं है। बहुत टाइम से हमारे साथ काम करता है। किसी दूसरे का थोड़ा काम पे भी नहीं जाता। और मैं नू कह रही हूँ ठेकेदार यो भी हमें ही देगा और इसकी बहू भी हमें देने कह रही। बोट बोट वफादार आदमी है इसका मतलब। बताओ तुम बताओ। अरे मैं कह रही हूँ मेंबरी में भी बहुत पैसा मिल गया। अच्छा 1-1 लाख रुपए लोग देने को तैयार है मेंबरी का इलेक्शन लड़ने पे यार। और उधर ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन है तो बीटीसी वालों को मिल गया। प्रधान में भैया अपने पास से खर्च करना पड़ेगा। कुल मिला का मतलब इलेक्शन का हिसाब है। तकड़ा मोटा मोटा पैसा है भैया। बैग भर सकता है इस बार इलेक्शन में। अच्छा हाँ तो करो तुम तैयारी करो यार। हमारी तैयारी चल रही है फुल। तुम अपना ध्यान रखना पूरा एकदम। अरे मिस्त्री साहब मैं चल गया फिर। चल गया। अरे कहाँ जा रही है? अरे मिस्त्री साहब तुम्हारे थोड़ा मजदूर थोड़ा करता रहूंगा। बीटीसी की तैयारी करिए ध्यान रखियो। और अपनी बहू से भी कह दी वो भी हमें दे देगी। अरे बोट बोट ठीक है फिर मैं चल गया। अरे सुन तो ले। अरे भैया ये काम थोड़े हैं यार। मजदूरों का काम थोड़े रखे ये ठेकेदार। ये तुम्हारे काम थे देख रहा है तुम। तू ही बता रहे थे वफादार आदमी। काम और छुड़वा दिया हमारा उसको थोड़े से। उसको कहानी सुना गए हक्कू। अरे पैसों का लालच में कोई वफादार ना होता। जरा सी देर में बदल गया देखो। उसने हमारी बात तो सुन लिया। अब उसके दिमाग में पैसों का लालच आ गया होगा। चलो जान दो तुम यार आओ काम करवाओ। मसाला लेकर आओ यार तू। अरे मसाला लेकर आओ। और कौन देगा मसाला? अरे नाजिर भाई ध्यान रखे बीटीसी में खड़ोरिया में। ध्यान तो रखेंगे। हमारे घर में 10 बोर्ड है। 20,000 रुपए घर पहुँचा दियो। 20,000 रुपए? हाँ 20,000 रुपए को काहे के मांग रिया? वोटों में कौन पैसे ले रहा भाई? वो तो साला चूतिया लग रहा हो। अरे बीटीसी में खड़ा हो रहे ध्यान रखियो। खर्चे का ही पता है? खर्चा काहे का? बाप भैया पेप्सी भी पिलागा पकौड़े भी खिलागा कढ़ाई मन जाएगी साले। अरे पेप्सी कोई ऐसी पी लोगे अपने जैसी पियोगे? क्या मतलब? अरे काली चला जा साले पहले खर्चे भेज ले जा। भाई यार बीटीसी में भी इतना खर्चा हो गए लिया मसाला। अरे कहाँ से लिखो मसाला तो खत्म हो गया। मसाला खत्म हो गया? अरे तो बना मसाला और कौन बनागा मसाला? अरे मसाला हम बनाएंगे। मसाला तो बन गया। मसाला बन गया है कोई है जरा तू? लो मसाला। लो मसाला। अबे गद्दार आदमी क्या करना आ गया तू है? अरे यारो की मैं तो मसाला देना आया। अरे ना ना हमें ऐसा मजदूर चाहिए नहीं। हम ठेकेदार को बना लिया मजदूर। चल निकल ऐसे ऐसे जा। मसाले बना रही है बिना बुझो। बात सुनकर इलेक्शन लड़ने पहुंच गए। बीटीसी का इलेक्शन लड़ेंगे। अरे इलेक्शन लड़ने थोड़ी लगा था। मैं तो अपनी बहू को बताने गया था ठेकेदार को वोट डालना। अरे चाहिए ना ठेकेदार को तेरी बहू की वोट उठ जाए इससे। ऐसे जा तू। चल लगा तू रद्दा लगाने वाला। हम भगवा गया ये पक्के वाले रजील हैं बहुत गद्दार इनके खून में। हरवा के छोड़ेंगे साले हमें।